येलो कलर की जर्सी में सूर्य कलर की पानी की टीम और ब्लैक कलर की जर्सी में हम देख रहे हैं एफसी फतेहपुर जसपुर की टीम के बीच मुकाबला चलता हुआ और यहां पर खतरा मंडरा था 10 नंबर की जर्सी में, लेकिन खतरे को टाला है डिफेंडर, वो आज पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े होने की जरूरत होगी। लेकिन 13 नंबर की जर्सी में सूर्य कलर कुकू पानी के जो रक्षा बनती है हमेशा इन्होंने और हमारी समिति को सपोर्ट करने वाले रोटो लाइन की जो बहने हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि का बैज लगाकर स्वागत करेंगे। बैटरी से कह रहे आगे चल दिमाग नहीं लगा ध्यान नहीं दे रहे कि अपना अरे सब तरफ बस 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 उसमें नहीं दिखा नहीं जाना कलर ना दिखने बोल घुसने Okay.
नहीं दिया मगर गोल एक समय ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊंट में जवाब पत्थर से देती हुई अपने होने के लिए गोविंद प्रसाद हेड़ा जी के सौजन्य से भी और 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फतेहपुर की टीम बराबरी करती है, 500 रुपए का नगद पुरस्कार बंटी की नवाहार के सौजन्य से, 1000 रुपए का नगद पुरस्कार राजमान जी जनपद उपाध्यक्ष फुलपुरी, और अभी भी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अब तक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है।
पुरस्कार दिया जाएगा मिंच ब्रदर्स के ऑनर सुमित मिंच। और ये फर्स्ट हाफ का मैच चलता हुआ काफी रोमांचक मुकाबला। और हमारी समिति को जिन्होंने भी सहयोग प्रदान किया है आर्थिक सहयोग के रूप में अविनाश मिंच, एसडीओ कुलकुरी, अंजना मिंच जी, जनपद अध्यक्ष कुलकुरी, रॉबर्ट एक्का जी, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुलकुरी, अधिवक्ता कुलकुरी। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप ग्राउंड किनारे होकर आप हमारे विजिट करें। अगर पीछे घुरा लेता तब भी चलता ना। युवाओं के चेहरे जो कि मैदान के चारों चक्कर लगाकर साथ में तमाम विशेष अतिथि भी मैदान के चारों चारों चक्कर लगाकर वापिस मंच की ओर आते हुए मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। ऐसे क्या जाना और हमारे प्रिंसिपल सदैव माधव जी का भी आग्रह हो चुका है। और यहाँ पर ये पूरी की टीम और यह हरियाणा के पदे पूरी की टीम वापसी करे लेकिन रक्षाबंधन का भी मुस्तैदी के साथ तो पकड़ने के लिए 13 नंबर की जर्सी में और यहाँ पर मौका मिलेगा 10 नंबर की जर्सी 15 नंबर और ये काफी लंबे करके गोलकीपर पर जो शुरुआत ही है तब से ही नहीं हमें आर्थिक रूप से मानसिक रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर पेशी कुजूर जी का आगमन हुआ है। उनका भी हार्दिक स्वागत क्रिकेट से गुजारिश करना चाहूंगा बैच लगा स्वागत करें एक नंबर में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजन समिति की ओर से जोशी पटना का जिन्होंने हमें परमिशन दिया टूर्नामेंट कराने के लिए जमीन की व्यवस्था दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति की ओर से और यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल काफी मैं स्वागत करना चाहूंगा जनपद
अध्यक्ष कुलपुरी श्रीमती अंजना मीन जी का आगमन हो चुका है। आज सरस्वती जोशी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और महिला वर्ग में जो विजेता टीम होगी उसे 10,000 रुपया का नगद पुरस्कार उन्हीं के लिए भोजन में दिए जाएंगे। पुनः आयोजन समिति की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बेमता डोली सरपंच राजकुमारी लगना जी उनका भी आगमन हो चुका है। आयोजन समिति की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करना चाहूंगा। रेफरी पैनल के पर ध्यान देंगे बेस्ट गोलकीपर और खुशी जमार करने के लिए इंटरनेशनल मैचों में देखते हैं दो दिनों की लड़क ध्यान रखेंगे बेस्ट गोलकीपर पर बेस्ट डिफेंडर बेस्ट खिलाड़ी आज के मैच में कृपया नाम सेलेक्ट करके रखेंगे और बेस्ट खिलाड़ी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस बात का ध्यान रखेंगे। लग रहे हैं और अपने हमेशा खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट यहाँ पर जरूर देते हैं अपने ओर से। तो क्या व्यापक अंतिम लड़ाई अंतिम समय तक लड़ाई लड़नी चाहिए और चांस बच सकता था गोलकीपर पर अपना काम जरूर कर रहे हैं लेकिन रक्षा बचा कहीं ना कहीं गोलकीपर मुझे लगता है तैयार कर रही है एफसी फतेहपुर की टीम यहाँ पर वापसी करती है बराबरी करती है तो हाई पॉइंट मैच हालांकि शुरुआती दौर से यहाँ पर उससे आज जांच करने का मौका मिलेगा जो भी लोग जांच करना चाहेंगे पुरस्कार कारण के पश्चात रुक जाएंगे। और जो भी जनता शामिल होगी उसे 51,000 रुपए नगद पुरस्कार अंबिका पुरस्कार भाई साहब अजय अग्रवाल जी के सौजन्य से दिए जाएंगे और चमचमाता विनोद जोसेफ धनसोन की स्मृति में दिए जाएंगे और शेख सिन्हा जनपद सदस्य बसंत बेग जी के सौजन्य से और मैडम दीपक का फोन पास पर रायगढ़ के सौजन्य से दिए जाएंगे। मैं चाहूंगा आप पुरस्कार के लिए सभी अध्यक्षों से गुजारिश है सभी यहाँ